हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज कुशमाहा है, जहां से मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में शंकर मंडल हैं। शंकर मंडल ने बताया कि एक लंबे समय से सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, इस बार पंचायत चुनाव में जनता की अदालत में हूँ। अब जनता को फैसला करना है कि मुखिया किसे चुनती है, लेकिन मुझे कुशमाहा पंचायत के सभी सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों तथा अभिभावक तुल मतदाता मालिकों पर पूरा भरोसा है कि इस बार भी आशीर्वाद मिलेगा और पंचायत में मुझे मुखिया के पद पर रहकर सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। जनता जनार्दन से यही अपील है कि मुझे एक बार संवैधानिक तौर पर सेवा करने का मौका दें, निश्चित तौर पर पंचायत का बेहतर विकास करूँगा। शंकर मंडल, हाँ, इस बार अपने पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ सर, कहे लड़ रहे हैं मुखिया का चुनाव? गरीब लोग को देखने के लिए, गरीब का नेता है, गरीब का लड़का है, गरीब को देखेंगे, बढ़िया ढंग से चलावेंगे। अच्छा, कब से आप सामाजिक स्तर पर जुड़े हुए हैं, कब से समाज सेवा का काम कर रहे हैं? समाज सेवा का काम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं। और इस पंचायत की जनता आपको मुखिया बनाएगी, तो कौन कौन विकास का काम कीजिएगा पंचायत में? सारे विकास का, पंचायत में जितना जितना काम होगा, योजना जितना जितना होगा, सब के करेंगे सर। सरकार द्वारा जो भी योजना होगा उसको धरातल पे उतारिएगा, है ना? हाँ। इस चुनाव में अपने जनता से क्या अपील करना चाहिएगा, क्या कहना चाहिएगा अपने जनता को? अपना जनता को कहना चाहते हैं कि हम गरीब का नेता हैं, गरीब को बनाइए, जो कि सबको हम देखेंगे, बढ़िया से चलाएँगे। हम किसी तरह का लड़का नहीं है, जो कि हम कोई तरह का बात विचार होगा, हम इंसान लड़का हैं, समाज में बढ़िया ढंग से चलते हैं, रहते हैं, बोलते हैं, विचार से सभी जनता मेरे खुश है मेरे ऊपर। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।